अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मौमी रंग और मैं हूँ आपका मेज़बान नादर पिताफी। आज हम मौजूद हैं मुल्तान के एक मशहूर मारूफ नाश्ता पॉइंट हाफिज रिवाड़ी नाश्ता पॉइंट पर, जो कि वाक़ है पुल बराना वाला पर। तो यहाँ पर हम मौजूद कस्टमर से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि इसकी क्या खासियत है कि यहाँ पर लोगों का एक हजूम हमें नज़र आता है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद है, ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो हाफिज रिवाड़ी नाश्ता पॉइंट है, इसके नाश्ते की क्या खास बात है कि यहाँ पर लोगों का एक हुजूम नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये 10-12 साल से हम यहाँ इनसे जो है ना वो ये सर्विस कर रहे हैं ये हमारी, और माशाल्लाह जैसे घर जैसा टेस्ट होता है, और ये बहुत ज़बरदस्त पराठे, चने, निहारी और मालपूड़े वगैरह, यानी कि जब आपको किसी यानी कि एक जुबान को टेस्ट लग जाता है ना, तो ये इस तरह का टेस्ट है और ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे हैं और हम काफ़ी अरसे से इनसे जो है ना ये खाना वगैरह। इनकी सर्विसेज क्या है? सर्विस बेहतरीन है ना, कोई यानी कि अखलाक भी इनका बहुत अच्छा है और माशाल्लाह दीनदार आदमी है, तो उस लिहाज से ये है कि कोई इस तरह की चीज़ भी नहीं बनाते कि जिसमें कोई मिलावट का इस्तेमाल हो। बेहतरीन इनका खाने का स्टैंडर्ड। जी जैसे कि आपने सुना, तो इनका कहना था कि इनका जो नाश्ता है वो मुल्तान में एक अपना ही मकाम रखता है, इनके हर चीज़ में एक अपना ही जायका है, तो इसलिए यहाँ पर लोगों का हुजूम नज़र आता है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं ये जो हाफिज रिवाड़ी नाश्ता पॉइंट है, इसके नाश्ते की क्या खास बात है कि यहाँ पर लोगों का बहुत ही बड़ा हमें जमे गफीर देखने को नजर आता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इनका नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है, हम काफी अरसे से यहाँ से ले रहे हैं और अब भी लेने आए हुए हैं यहाँ पे। तो इनके नाश्ते में क्या खास बात है कि आप सिर्फ यहाँ से ही नाश्ता लेने आते हैं? इनके हाथ का जायका बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ से लेने आते हैं। यहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको? आलू वाले पराठे, जो चीज़ नाश्ते में होती है सब कुछ मिलता है यहाँ से। अच्छा, इनकी सर्विसेज कैसी हैं? सर्विसेज बहुत अच्छी है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, तो इनका कहना था इनका जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर आते हैं और इनके पास जितनी भी आइटम्स हैं उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि जो हाफिज रिवाड़ी नाश्ता पॉइंट है, इनके नाश्ते की क्या खास बात है कि यहाँ पर लोगों का क्रश रहता है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक। नाश्ता इनका अच्छा होता है, काफ़ी अर्से से हम लोग इनसे नाश्ता कर रहे हैं, क्वालिटी अच्छी है, म्यार अच्छा है, इसी वजह से इनके पास रेगुलर हम आते हैं लेने। अच्छा, आप मुझे ये बताएं इनकी सर्विसेज कैसी है? सर्विसेज भी अच्छी हैं इनकी। प्राइसेस क्या वाले से थोड़ा सा गाइड? प्राइसेस भी ठीक हैं, मार्केट से लेस प्राइस हैं और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो प्राइस बेहतर है। और जो हमारे नाज़रीन हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जो इस एरिया के नाज़रीन हैं उनको ये कहूँगा कि आप इनसे आएँ, नाश्ता करें, इनसे लेके जाएँ, क्वालिटी भी अच्छी है और रेट भी रिजनेबल है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, तो इनका कहना था इनकी जो क्वालिटी है और इनकी जो प्राइसेस हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइसेस काफ़ी लो मार्केट के हवाले से, लेकिन इनका ये कहना था कि जो नाज़रीन हैं वो एक बार यहाँ पर लाजमी है, उनको बहुत मज़ा आएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ एक और भी कस्टमर मौजूद है, ये इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनको जो हाफिज रिवाड़ी नाश्ता पॉइंट है, इनके नाश्ते में क्या अच्छा लगता है और ये यहाँ पर क्यों आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। माशाल्लाह, इनका नाश्ते में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अच्छी ना हो। बिरयानी ले लें आप, पाए ले लें, इनके चने तो माशाल्लाह टेस्ट ऐसा VIP है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से, पूरे मुल्तान से और मुल्तान के अलावा भी लोग फरमाइश करते हैं हमें कि हमें दोस्तों को एक दो मरतबा यहाँ पे ला के खिलाया, तो कोई कराची से आता है, कोई हैदराबाद से आता है, कोई खाने वाल से आता है, स्पेशल फरमाइश करके लोग खाने के लिए आते हैं। माशाल्लाह बड़ा VIP किस्म का टेस्ट है और मसालों की क्वालिटी भी बड़ी VIP है इनकी। तो मैं भी लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, अगर लोग आएंगे खाएंगे तो इंशाल्लाह उनको बड़ा मज़ा आएगा, इंजॉय करेंगे यहाँ पे। नाज़रीन, जैसे कि हमने सुना, तो इनका कहना था कि इनके जो चने हैं वो सिर्फ मुल्तान ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। हमारे दोस्त जो कि कराची खाने वाले या कहीं से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जब हम उनको यहाँ पर ला कर खाना खिलाते हैं उसके बाद वो बहुत ज़्यादा फरमाइशें करते हैं कि भाई हमें यहाँ के चने जो है वो दोबारा खिलाएँ। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज रिवाड़ी नाश्ता पॉइंट के जो मालिक हैं जनाब हाफिज साहब, आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये होटल कब खोला था और ये होटल खोलने की वजह क्या थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ये जो होटल हमने बनाया तकरीबन 12 साल हो गए हैं इसको,
और यहाँ जो है ना इस किस्म की म्यारी चीज नहीं थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल से हमारा दिन ब दिन काम बढ़ ही रहा है माशाल्लाह, और लोग मुतमइन होते हैं। आगे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं नाश्ता करने, पार्सल ले जाते हैं गुलगज से क्या और मुल्तान के, यानी कि काफ़ी दूर तक। और हमारे एक पॉइंट और भी MD चौक, एक जान मोहम्मद चौक भी है, भाई है छोटे दोनों। अच्छा आप मुझे ये बताएं, जब आपने अपने इस होटल का आगाज किया तो आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? नहीं कोई खास मुश्किलात तो नहीं, बस शुरू से थोड़ा थोड़ा यानी कि स्टार्ट किया था, फिर आस्ता-आस्ता स्टेप बाय स्टेप चलते रहे, इंशाल्लाह काम बढ़ता रहा दिन ब दिन। अच्छा कस्टमर्स की तरफ से स्टार्ट में क्या मतलब रिमार्क्स थे? यानी कि मुतमइन होते थे लोग, भाई आपकी चीज़ अच्छी है, फिर वो म्यार अच्छा था तो ये कोशिश करते हैं कि एक नंबर चीज़ लाएँ, क्वालिटी वाइज भी घी मिर्च मसाले वगैरह म्यारी चीज़ बनाते हैं। अच्छा आपके चने हैं उसकी सारे लोग तारीफ ही कर रहे थे, तो आपके चनों में कोई खास मसाला जात यूज़ करते हैं या बस ये हाथों की शीरी है? नहीं नहीं कोई रेसिपी होती है ना, हर किसी का तरीका होता है बनाने का, तो हमारी रेसिपी ज़रा अलग है। मतलब कोई मसाले जात वगैरह स्पेशल नहीं है? नहीं नहीं वही होते हैं, अच्छी चीज़ लाते हैं, म्यारी चीज़ लाते हैं, एक नंबर मिलावट वाली लाते हैं, दो नंबर जैसी चीज़ होती है वो। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि हमारे जो नाज़रीन हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? भाई यही है कि भाई जहाँ भी जाएं अच्छी चीज़ खाएं, देख के साफ़ सुथरी, हमारे पास जब भी आएंगे इंशाल्लाह आपको साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ मिलेगी। नाज़रीन जैसे कि आपने सुना तो हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ साहब, हमने उनसे गुफ्तगू की तो उनके कहना था हमने ये जो होटल है 12 साल पहले स्टार्ट किया, हमने देखा कि यहाँ पर कोई म्यारी होटल जो मौजूद नहीं था जो लोगों को एक म्यारी खाना है एक अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके, तो हमने यहाँ पर अपने होटल का आगाज़ किया, तो हमें स्टार्ट में लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा पसीराई मिली, लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, लोग कहते कि आपका खाना बहुत अच्छा है, तो हमने वही म्यार अपना बरकरार रखा है, आज तक 12 साल हमें हो गए और लोगों की जो मोहब्बतें हैं वो लाजवाब हैं और उन्हीं की वजह से हमारा होटल आज चल रहा है। और जो हमारे नाज़रीन हैं उनके लिए इनका पैगाम था कि आप जहाँ भी जाएँ अच्छा खाना खाएँ, लेकिन जब भी आप हाफिज़ रेवाड़ी नाश्ता पॉइंट पर आएँगे तो आपको अच्छे से भी अच्छा खाना मिलेगा। जी तो आप इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान नादर पिताफी को, कैमरामैन ज़ीशान हैदर के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।